आज बिहार पुलिस ने वह काम कर दिखाया है जिसके बाद अपराधी अब घटना को अंजाम देने से पहले 1,00,000 बार सोचेंगे। देखिए बिहार में जब से डीजीपी आरएस भट्टी बने हैं तब से अपराधी थर थर ऐसे ही कांप रहे हैं, लेकिन आज के इस घटना के बाद, आज के इस काम के बाद अब अपराधी और थर थर कांपेंगे बिहार में। देखिए वैशाली के सराय में आज पुलिस ने ऐसा काम कर दिखाया है। देखिए आपको पूरी विस्तार से बताते हैं, यूको बैंक जो सराय में एक शाखा है बैंक का, वहीं पर अपराधी कुछ बदमाश थे और पल्सर बाइक पर थे, और जैसे ही उन्होंने एक जाबाज सिपाही को देखा कि वैसे ही वहां से भागने लगे और सिपाही को शक हो गया और उसके पीछे गए, तभी जैसा सामने आ रहा है कि उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई, गोली चला दी बदमाशों ने और उस जाबाज सिपाही की गोली लगने के कारण अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि भीड़ ने उस बदमाश को पकड़ लिया और मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसे पकड़कर ले जा रही थी, तभी अपराधियों ने एक सुनसान झंखार एरिया में अपराधी ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया। देखिए आपको बता रहे हैं, हालांकि अब इस पर कई लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा कि पुलिस के काम पर सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के इस कदम से अब जनता जो है, बिहार के जो लोग हैं वह अब सेफ महसूस करेंगे। देखिए कई लोग अब कह रहे हैं कि बिहार पुलिस यूपी पुलिस की तरह आज काम की है, लेकिन तुरंत दो बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराए हैं। बिहार के पुलिस के इस कारनामे के बाद अब चर्चा खूब हो रही है। देखिए यूको बैंक के समीप की यह घटना है जहां पर बदमाश भागने लगे और उस जाबाज सिपाही ने, जिसके मौके पर गोली लग गई और अस्पताल में जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। हम जाबाज सिपाही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किए, हालांकि अब कहा जा रहा है कि बदमाशों को लोगों ने पकड़ा और पुलिस पहुंची और 3 घंटे के अंदर में बिहार पुलिस ने उस अपराधी को ढेर कर दिया। देखिए 3 घंटे के भीतर यह पूरा काम हो गया। जाबाज सिपाही को 3 गोली लगी और मृत घोषित जब अस्पताल में उन्हें कर दिया गया, 3 घंटे के अंदर में बिहार पुलिस ने जो काम कर दिखाया है, बड़े बड़े अपराधी का हौसला जरूर गिरेगा। और बिहार में जब से बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी बने हैं तब से बिहार में अपराधियों का खैर नहीं है। अब अपराधी को वर्दी से देखकर अब जरूर डर लगेगा और उनके मन में एक जरूर खौफ अब रहेगा। कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले 1,00,000 बार सोचेंगे। हालांकि यह काम के बाद अब, इस घटना के बाद अब जिस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिरा है, सवाल उठेंगे। हालांकि पुलिस पर सवाल उठ सकते हैं, जो सरकार में विरोधी में है उन वो भी सवाल उठाएंगे, लेकिन बिहार की जनता कहीं ना कहीं इसे सेफ महसूस करेगी जिस तरीके से आज बिहार पुलिस ने जो काम कर दिखाया है। हालांकि क्या घटना है पूरी, जैसे कि खबर सामने आई है उसी पर हम बताए हैं। बिहार एक सोच अभी तक पुष्टि नहीं करती है कि अपराधी जो भाग रहे थे उन्हें भीड़ ने पकड़ा है या फिर पुलिस ने, और बैंक के समीप जो घटना बताया जा रहा है कि यूको बैंक के समीप जैसे ही बदमाशों ने पुलिस को देखा कि भागने की कोशिश की और उसके बाद उस जाबाज सिपाही ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की कि बदमाशों ने 3 गोली सिपाही को मार दिया। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।